आगामी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को और बड़ा करने की तैयारी तेज हो गई है। अभी बुधवार को ही कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन तय हो गया, जिसके बाद अब कुछ और दलों को गठबंधन में जोड़ने की तैयारी है। इसी क्रम में अब गठबंधन में एक और दल की एंट्री हो गई है। जी हाँ, जैसा कि कांग्रेस शुरू से ही चाहती थी कि बसपा सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि बसपा के साथ दलित वोटर जुड़ा हुआ है जो एकमुश्त होकर उनके समर्थन में वोट करते हैं, लेकिन तमाम कयासों पर मायावती ने अपने जन्मदिन पर गठबंधन के साथ नहीं जाने का ऐलान कर विराम लगा दिया। वैसे भी अखिलेश भी नहीं चाहते थे कि मायावती साथ आए, लेकिन इसी को लेकर दलित वोटरों को साधने की जुगत में यूपी में हुए सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में अब तीसरे दल भीम आर्मी की भी एंट्री हो गई है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने शनिवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले इसका ऐलान किया। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि औपचारिक तौर से गठबंधन की घोषणा की गई है। 17 सीटें कांग्रेस को मिला है, एक सीट चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी को मिला है और बाकी सीटें सपा लड़ेगी। और समय लगा अंतिम रूप देने के लिए, हमें कुछ लेना पड़ा, हमें कुछ देना पड़ा, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज का यही है ना। इस तरह से यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए इन दिनों गठबंधन का दायरा बढ़ाने पर तेजी से कवायद चल रही है। इसी कड़ी में राजा भैया को भी जोड़ने की तैयारी में सपा ने उनसे संपर्क साधा है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में सपा को राजा भैया की जरूरत होगी। वही मिशन 80 पर जुटे गठबंधन दल के साथ ही रविवार को आगरा में एक साथ नजर आ सकते हैं, यानी कि राहुल की यात्रा में अखिलेश शामिल हो सकते हैं, जिस पर खुद अखिलेश ने जाने का ऐलान किया था। बता दें, अभी तक गठबंधन दलों में सपा ने 31 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस की लिस्ट अभी सामने नहीं आई है और अब एक सीट पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के खाते में आ गई है। मतलब सपा आज के हिसाब से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, पर आगे और कौन साथ आ जाए उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।